वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की साजिश कर रही है। इस संबंध में गृह मंत्रालय को प्रेजेंटेशन दिया गया है। सोमया बिल्डर और कुछ नेता इस साजिश का हिस्सा है। मुंबई को लेकर बैठ के शुरू है, धन एकत्रित किया जा रहा है। तो राज्यसभा सांसद शिवसेना के बड़े नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर मुंबई को लेकर बेहद गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है मुंबई को केंद्र शासित बनाने की साजिश कर रही है बीजेपी। इस संबंध में गृह मंत्रालय को प्रेजेंटेशन दिया गया है और इस साजिश में किरीट सोमया, कुछ बिल्डर और कुछ नेता शामिल है। मुंबई को लेकर बैठकें भी शुरू हो गई है, धन एकत्रित किया जा रहा है। तो इस साजिश को पूरा करने के लिए धन भी एकत्रित किया जा रहा है, ऐसा आरोप भी संजय राउत ने लगाया है। कुछ दिन पहले ही केंद्रीय जांच एजेंसी ने संजय राउत की संपत्तियों को अटैच किया था, जिसमें अलीबाग में 8 संपत्ति और उनका दादर का एक फ्लैट शामिल था, जिसके बाद से संजय राउत केंद्र सरकार पर हमलावर है। कल वो जब मुंबई पहुंचे थे तो उनका भव्य स्वागत हुआ था, ढोल ताशों के साथ शिवसैनिकों ने उनका स्वागत किया था, लेकिन विरोधियों को ये स्वागत रास नहीं आया था और विरोधी हमलावर हो गए थे। कई लोगों ने पूछा क्या संजय राउत को देश के लिए मेडल जीत के आए, जो उनका भव्य स्वागत हो रहा है, उन पर ईडी की कार्रवाई हुई है। तो इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप इस समय बीजेपी और शिवसेना के नेताओं के बीच चल रहे हैं, लेकिन संजय राउत ने मुंबई को लेकर बेहद गंभीर आरोप लगाया है कि मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहती है बीजेपी की केंद्र सरकार, और इस संबंध में गृह मंत्रालय को प्रेजेंटेशन भी दिया गया है, और इस साजिश में किरीट सोमया, बिल्डर और कुछ नेता शामिल है, और इस साजिश को पूरा करने के लिए बैठकें शुरू हो गई है और धन भी इकट्ठा किया जा रहा है। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार। भारत सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री। खबरों का सहनसा, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।